हम आ चुके हैं हमारे घर और ये देखिए लक्ष्य को इस तरीके से सोया है। मैं इसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये उठने के मूड में नहीं है। तो गाइज मैं क्या करती हूँ, मैं अपना काम कर लेती हूँ, ये उठेगा जब इसको ब्रेकफास्ट बना के दूंगी। शायद थकान ज़्यादा हो गई है इसलिए सो लेने दिया जाए इसे। तो फ्रेंड्स बच्चे उठे नहीं हैं तो जब तक मैं क्या करूँ, ये मैंने लगा दिया है दाल का कुकर। मैं थोड़ा सा खाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि अब मैं आज मेरी पूरी फैमिली का खाना बना रही हूँ। तो दाल के बाद अब मैं इधर लगा देती हूँ चावल और सब्जी कट कर लेती हूँ। यहाँ सब्जी में मेरे पास है फ्रेंड्स भट्टे हैं, आलू हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। हम लोग कल ही आए हैं क्योंकि इंदौर से और हमारे यहाँ मंडे का मार्केट लगता है। तो फिर मैं ये बैंगन और पोटैटो की सब्जी, दाल, चावल ये बनाने का सोच रही हूँ। ये इसको तैयार कर लेती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको आगे क्या बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए मेरी सब्जी कटिंग हो गई है और ये मेरी दाल भी बॉईल हो गई है। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक तरफ बघार देती हूँ सब्जी, फ्राई कर देती हूँ और एक तरफ फ्राई करती हूँ दाल। ये है मेरा तेल का कंटेनर। हम तेल बहुत कम खाते हैं इसलिए सिर्फ ये एक पली तेल में मैं दाल बघारूँगी। परंतु आज मेरा खाना ज़रा ज़्यादा बन रहा है तो मैं थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालूँगी, वरना हम बहुत कम तेल खाते हैं। मेरे यहाँ मिर्ची लहसुन ये इसका हमाम दस्ते में कुटवे पसंद करते हैं, तो ये मैंने सब्जी के लिए कढ़ाई में डाल दिए और ये दाल फ्राई करने के लिए इसमें डाल दिए। आप लोग दाल में डालते हो कि नहीं कमेंट करके बताना। बाकी हमारे यहाँ हम लहसुन मिर्ची दाल में भी डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं। ये देखिए दोनों काम मेरे एक साथ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे सब्जी का मसाला एकदम कंप्लीट होने ही वाला है और इस साइड ही जो मैं दाल फ्राई कर रही थी ये मसाला भी हो गया है, लगभग पक गया है। थोड़ी सी कमी है, इसमें डाल दूंगी ये फ्राइड दाल और इधर डाल दूंगी ये मेरी बैंगन और पोटैटो जो मैंने काट के रखे हुए हैं। ये देखिए अब इसको कर देते हैं हम कम पे इसकी फ्लेम, इसमें डालना है वेजिटेबल। परंतु इधर मेरे दाल वाली कम्प्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए ये बन गई है मेरी सब्जी, ये मेरी सब्जी बन चुकी है और ये हो गई है मेरी दाल। आटा मैं लगा चुकी हूँ, अब मुझे बनाना है सिर्फ चावल। आटा भी मैं लगा चुकी हूँ, अब मुझे चपाती सेकना है। चपाती सेक लेती हूँ और चावल बना लेती हूँ। हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा था हनुमान चालीसा इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी सब्जी बन गई है, दाल बना ली है मैंने, दाल के साथ मेरे चावल भी बन गए हैं। दाल, चावल, सब्जी, ये दाल बन गई है, चावल बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। ऑनियन काट के रखे मैंने सलाद की और ये रोटियां मैं सेकती जा रही हूँ। अब बस हम फटाफट से लगा देते हैं थाली। और तो गाइस यहाँ पे मेरे दादाजी खा रहे थे खाना और यहाँ पे मैंने भी खाना ले लिया था, तो अब मैं भी खाऊंगा। आप लोग के लिए मैंने एक बार शूट कर लिया है और अब आपको दिखाने के बाद अब मैं खाऊंगा। तो फ्रेंड्स फिर ये हमारी हो गया शाम की पूजा का टाइम। तो शाम की पूजा से पहले मैंने मंदिर की साफ़ सफाई की क्योंकि अब जन्माष्टमी आ रही है, हमको पूजा पाठ करना था। भगवान को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के बाद फिर मैंने शाम की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना में मैं शाम को दिया लगाती हूँ, पूजा करती हूँ, भगवान का सब कुछ भोग लगाती हूँ और फिर माला फेर के मंत्र का ध्यान करती हूँ। पूरी साफ सफाई हो गई, इसके बाद देखिए मेरे मंदिर को हमने इतना सुंदर सजाया है। फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ आज ऑनियन पकौड़े जो बहुत ही टेस्टी हैं। अभी देखिए मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म और खाएंगे हम ऑनियन के पकौड़े। साथ ही इधर बन रही है पत्ता, ये देखो जो फ्राई हो रही है, ये पत्ता गोभी, इसकी बनने वाली है सब्जी। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर देखिए मेरे ऑनियन के पकौड़े तल के एकदम गर्मा गर्म रेडी हैं। अब मैं पहले लगवाऊंगी भगवान को भोग जो ये मैंने लगा दिया है और इसके भोग लगाने के बाद अब हम लोग खाएंगे गरम गरम। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं जब पत्ता गोभी की सब्जी काटना स्टार्ट कर रही थी तो मैंने क्या देखा, उसमें वाइट रंग की सफ़ेद सफ़ेद दिल्लियाँ
तो अगर आप भी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाते हो तो बहुत गौर से देखना उसको साफ़ करते समय, उसमें वाइट रंग की छोटी इल्लियाँ निकल रही। फिर मैंने ये पत्ता गोभी को फेंक दिया और मेरे यहाँ दो पत्ता गोभी के फूल लाए थे, तो दूसरी पत्ता गोभी को काट के मैंने सब्ज़ी फ्राई की। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे मेरे अगले ब्लॉग में। राधे राधे।